तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑडी के बारे में कि क्यों मेरी ये फेवरेट ब्रांड है अगर हम बात करें प्रीमियम ब्रांड के बारे में। पहले अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं आपको, देखो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है ना कि अगर हमको मतलब जीडी कंफर्ट चाहिए तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एक थॉट आता है मर्सिडीज की मेबैक होगी, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं होगी। और अगर हम सेकंड चीज ये सोचते हैं कि अगर हमको ड्राइविंग डायनामिक्स चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई बीएमडब्ल्यू की एम स्पोर्ट की कोई सी भी गाड़ी ले लो। लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है अब मैं आपको बताऊं कि ऑडी की गाड़ियां हैं ना, उसमें आपको सबसे अच्छा इन दोनों चीजों का मिक्सचर मिलता है। कैसे? देखो कंफर्ट्स मामले में जो सॉफ्ट ड्रिवन वाली गाड़ियां होती है, जो ऑडी की आप 8L उठा लो, ठीक है, मतलब ऑडी के पास वो गाड़ी भी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो भाई ऑडी के पास क्वाड्रो सिस्टम है, इसका एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ओवर फोर सिस्टम होता है, इसके कारण आपको ड्राइविंग डायनामिक्स की बहुत अच्छी देखने को मिलती है, उस वजह से मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। तो चलिए क्वाड्रो की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्वाड्रो के ना एडवांटेजेस क्या है। तो भाई इसमें आता है परमानेंट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, जिसकी वजह से हमको बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया ट्रैक्शन मिलता है, ठीक है। और ये आप में अलग अलग चैलेंजिंग कंडीशंस में आपके काम आएगा, जैसे कि मड हो गया, स्नो हो गया, तो उस सारे कंडीशंस पे ना वो बहुत काम है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो मैं भाई इसका टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन। ऑडी की कारों को ना बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन से व्हील में कितना पावर आपको देना है, किसमें सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ना टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी बढ़िया हो जाती है, कॉर्नरिंग बहुत बढ़िया तरीके से होती है, एक्सेलरेशन करेंगे ना तो कंट्रोल देखने को मिलता है स्टीयरिंग पे। तो ये सारी चीजें ना टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। तो आखिरी पॉइंट की बात करें ना, वो है एडाप्टेबिलिटी, ये आपके इनपुट्स के अकॉर्डिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स को चेंज करते रहता है। जैसे कि बात करें अगर हम लोग थ्रॉटल इनपुट्स की बात हो गई, स्टीयरिंग इनपुट्स की बात हो गई, अगर आपके व्हील स्लिप हो रहे हैं तो वो वाले इनपुट की बात हो गई, तो इन सारे अलग अलग सिचुएशन पे ना और टॉर्क को चेंज करते रहता है। तो वो भाई ये बहुत अच्छी चीज है क्वाड्रो सिस्टम की, कि ये ना आपको कुछ ज्यादा करने नहीं देता है, खुद ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है चीजों को, समझता है कि क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रोल्स को हैंडल करता है, मतलब गाड़ियों को हैंडल करता है। तो वो था भाई एक आखिरी पॉइंट, तो ये था भाई क्वाड्रो के बारे में। अब ना एक छोटा सा मैं कंक्लूजन देता हूँ आपको। तो देखो भाई, सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ टाइम ऑडी ने इवॉल्व होते होते अपने आप को एक ऐसा ब्रांड बना दिया है जो जाना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, स्लीक डिजाइन के लिए, और ऑब्वियसली क्वाड्रो के लिए। क्वाड्रो को तो मैं बोल ही नहीं सकता भाई, सिर्फ वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑडी ने याद करी है। एंड अगर आप बात करें सस्टेनेबिलिटी की, अगर आपको सस्टेनेबल फ्यूचर की तरह देखते हैं, तो भाई ऑडी के पास उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मेरे पास ई-ड्रॉन यहाँ पे खड़ी हुई है, ई-ड्रॉन के काफी सारे मॉडल्स आते हैं यहाँ पे, वो वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड में, जो ऑडी अभी बना रही है, क्योंकि भाई ये ऑफ रोड कैपेबल भी है और अगर रेंज की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी निकाल के दे देती है, इसीलिए मेरा ये फेवरेट ब्रांड है। और ये था भाई छोटा सा मेरा ऑडी एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब करके। हम मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।